हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एविनी शो। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 41 के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑस्टेंसिबल का मतलब जानते हैं। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हमें दिखने में तो सही लग रही है लेकिन एक्चुअली में वो सही होती नहीं है। अब इस सेक्शन के अंदर अगर हम लोग ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑस्टेंसिबल ओनर वो होता है कि जो इमोरल प्रॉपर्टी का दिखने में ओनर लग रहा हो लेकिन वो एक्चुअली में ओनर होता नहीं है। अब वो कैसे, देखिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी दूसरे पर्सन के नाम पर, ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी दूसरे के नाम पर, तो रियल ओनर तो आप उस प्रॉपर्टी के, क्योंकि पैसा आपका लगा है उस प्रॉपर्टी में, रियल ओनर आप कहलाएंगे। लेकिन जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो ऑस्टेंसिबल ओनर हो जाता है। अब ऐसे प्रॉपर्टी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो इस ट्रांसफर की वैलिडिटी क्या होगी, मतलब वैलिड ट्रांसफर कब होगा, कैसे होगा, वही ये सेक्शन डील करता है। तो अब हम लोग उसको भी देखते हैं। अब अगर इस प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर करना चाहता है तो ट्रांसफर करने के लिए जो रियल ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, उसकी कंसेंट नेसेसरी है। वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि रियल ओनर ने सीधे साफ साफ बोल दिया हो कि हाँ तुम इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो। और इम्प्लाइड कैसे होते हैं कि जब ऑस्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा होता है और वो पूछता है लेकिन रियल ओनर खामोश रहता है, मतलब चुप रहता है, तो ये साइलेंट कंसेंट मान ली जाती है। अब इम्प्लाइड कंसेंट पर्सन के कंडक्ट से भी मान ली जाती है। कंडक्ट कहाँ पे दिया गया है, ये वही कंडक्ट है जो सेक्शन 8 में दिया गया है एविडेंस एक्ट के, ठीक है। ये हो गया इम्प्लाइड कंसेंट। अब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का, मतलब जो भी ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर करेगा उस प्रॉपर्टी का, वो एक कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ट्रांसफर कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। कंसिडरेशन हो गया, कंसेंट हो गया। अब अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया तो रियल ओनर बाद में आ करके ये अपील नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेगा कि उस ऑस्टेंसिबल ओनर को हमने ऑथराइज नहीं किया था प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए। ये सेक्शन इसके लिए बात करता है रियल ओनर को। अब यहाँ पर जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी होती है ट्रांसफरी की, मतलब वो प्रॉपर्टी को जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो वो प्रॉपर्टी को ले रहा है, उसकी कुछ ड्यूटी बताई गई है। यहाँ पर ट्रांसफर प्रूफ करेगा कि जो भी प्रॉपर्टी को ले रहा है वो ऑस्टेंसिबल ओनर के पास राइट है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, और जो रियल ओनर है उसने अपनी कंसेंट दे दी थी ऑस्टेंसिबल ओनर को, तभी ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। और जो भी ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी को लेगा वो गुड फेथ में लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज ट्रांसफर प्रूफ करेगा। अगर कभी जा करके ऐसे केसेस अराइज होते हैं तब ये ट्रांसफर की ड्यूटी बन जाती है। कंप्लीट सेक्शन है 41। अब इस सेक्शन से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। फर्स्ट केस है राम कुमार वर्सेस मैकविल एंड सेकंड केस है जया दयाल पोदर वर्सेस बीबी हजारा। तो फर्स्ट केस में तो इसकी एसेंशियल को रेक्टिफाई किया गया था, मतलब जितनी बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी यही चीज राम कुमार वर्सेस मैकविल के केस में बोला गया था। सेकेंड केस है जया दयाल पोदर वर्सेस बीबी हजारा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होते हैं इनके बारे में बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होंगे। तो उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बताए कि इस तरह से ऑस्टेंसिबल ओनर को पहचाना जा सकता है। जो भी प्रॉपर्टी होगी, जिस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर होगा, उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। नेचर ऑफ पोजेशन देखा जाएगा कि नेचर ऑफ पोजेशन कैसा है। मोटिव देखा जाएगा रियल ओनर के कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने का मोटिव क्या था। और इन दोनों के बीच में, रियल ओनर और ऑस्टेंसिबल ओनर के बीच में रिलेशनशिप देखी जाएगी कि उनके रिलेशन कैसे हैं। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मतलब रियल ओनर ने ऑस्टेंसिबल ओनर क्यों बनाया,
अपने यही प्रॉपर्टी अपने दूसरे के नाम पे क्यों खरीदी, इसके पीछे का पर्पस देखा जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में। अब देखिए, अब अगर कोई भी पर्सन इस तरह की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे खरीदता है तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये गवर्न किया जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के अंदर। इस एक्ट में ये बताया गया कि अगर मान लीजिए ऑस्टेंसिबल ओनर ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो रियल ओनर कभी भी ऑथराइज नहीं होगा ये क्लेम करने के लिए कि हमने जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसको ऑथराइज नहीं किया था इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। यही चीज डील की गई है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर। तो कंप्लीट ये हो गया आपका सेक्शन 41। थैंक यू।